लाख 3,000 के करीब हमारी व्यक्तिगत जो आमदनी है वो है हायर सिंध कंट्री है, बाकी देश भर में अब 68.75% ऐसी कुछ है। तो खुशहाली है, यहाँ पर बिजली अच्छी मिलती है, पानी की थोड़ी कमी जरूर है उसको पूरा करेंगे, लेकिन जो भी यहाँ दिल्ली में अब हवा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, हेल्थ अच्छा है और ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, मेट्रो भी है, अच्छी बसेस भी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हैं, तो जो भी दिल्ली में आता है वो कभी यहाँ से जाता नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली एक मिनी इंडिया की तस्वीर बन गया है। और ये बात भी मैं कहने से नहीं चुकूंगी कि यहाँ पर 4.5-5 लाख लोग यहाँ पर माइग्रेंट्स के रूप में हर साल आते हैं, लेकिन उनको भी पढ़ना मिलता है, उनको भी रोजी रोटी मिलती है, इसलिए वो अपने जहाँ पर भी उनका दिल्ली पैदाइश हुई है वहाँ छोड़कर यहाँ चले आते हैं और फिर यहाँ रहने लगते हैं। तो हमारी एक कमी जो रही है वो हाउसिंग की है, तो हमारे मैनिफेस्टो में हाउसिंग हम पूरी करेंगे ये लिखा गया। मैं एक ही छोटे से बात में कहना चाहती हूँ कि रुके की नहीं मेरी दिल्ली, ये हमारा स्लोगन है कि हम दिल्ली को रुकने नहीं देंगे, आगे ही बढ़ती है। और उसका आधार है कि आप उस पार्टी को चुनिए जिसका अनुभव आपने देखा है, जिसकी रफ्तार आपने देखी है, और कांग्रेस को फिर इस बार लाइएगा अगर जो ये रफ्तार को आगे बढ़ाना है। लाडली से हम काबिल लाडली तक ले जाना चाहते हैं, और जिसमें जो हमारी स्कूल की लाडली है अगर जो वो आगे बढ़कर कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, हुनर सीखना चाहती है, तो काबिल लाडली है उसको बनाएंगे हम, जिसमें वो और भी ज्यादा सक्षम हो जाए अपने जीवन को सुधारने के लिए। भाग्य जितने हमारे हैं वो न केवल उनकी तादाद बढ़े, लेकिन उनका जो सरकार के फैसले होते हैं उससे उनका भी हम राय ले सके, तो निजी तौर पर हमें उनकी भी राय मिल जाए, जो काम जहां जरूरत है वो काम हम कर सके। बहुत ट्रैफिक जाम होते हैं, सब लोग आप लोग परेशान होते हैं, अवसर होते हैं कि ट्रैफिक जाम रहती चौड़ी सड़कें 47-48 फ्लाई ओवर हो गए हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक जाम होते हैं। तो हमने सोचा है कि डबल डेक ऑफ फ्लाई ओवर बनाएंगे, जिसमें फ्लाई ओवर के ऊपर एक और फ्लाई ओवर हो और लोगों को परेशानी कम हो और ट्रैफिक जाम भी इससे कम हो। जीडीपी तो दिल्ली का हाईएस्ट है, पूरे देश का 8.33 है, दिल्ली का 10.33 है इन द पास्ट 5 ईयर्स, उसको हम और डबल करें, और जब जीडीपी डबल होता है तो आमदनी भी डबल होगी और लोगों को मौके भी ज्यादा मिलेंगे। सरकार बहुत तेजी स्वर आएगा, हमें तंग करेगा और हमें उठना पड़ेगा, उलझन भीतर बेचारे भागते रहते हैं। तो हॉकिंग जोन बनाएंगे, एक दिल्ली को नॉलेज और स्किल और सर्विस सेंटर हम बनाना चाहते हैं, है ऑलरेडी और उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल और नेशनल अलायंसेज के साथ, और सर्विस सेक्टर को हम इंडस्ट्री का रूप देना चाहते हैं, जिसमें जो फायदे इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए मिलते हैं वो हमारे सर्विस सेक्टर को भी मिलते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लेबर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली से, तो बेचारे क्या करें, मजबूर होते हैं तो कभी दिल्ली डाल देते हैं, बाहर से जाते हैं, तो वो मैं समझती हूँ कि स्थानीय अनपढ़ अन्याय है, इसलिए श्रमिक आश्रय हम लोग बनाएंगे होल्डिंग एरिया, जिसमें जो श्रमिक आए वो होल्डिंग एरिया में रह सके, एक धर्मशाला की तरह हो सके जिसमें वो रह सके, और यदि वापस काम की बात करना चाहे तो चले जाए, अगर जो रहना चाहे तो उनकी संपन्नता और बढ़ने पर उनको मकान ये वो भी लायक भी वो हो जाएगी। किया जा रहा है, उम्मीद है कि आने वाले 5 वर्षों में हम आपको देंगे। पब्लिक टॉयलेट की बहुत जरूरत है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पब्लिक टॉयलेट लगाएंगे पर्याप्त मात्रा में, जिसमें कम से कम 20 उनमें से हर विधानसभा में महिलाओं के लिए टॉयलेट होते। गवर्नमेंट का
ब्यूरोक्रेसी के जो तौर तरीके हैं उनको और बेहतर बनाना चाहते हैं, पीपल फ्रेंडली करना चाहते हैं कि आपको कोई लाइसेंस लेना हो या कोई भी काम आपका रजिस्ट्रेशन करना हो उसमें महीनों या हफ्ते ना लगे, तुरंत हो जाए। इसके बारे में भी इस मैनिफेस्टो में लिखा गया और बताया गया है कि किस तरह से हमने रजिस्टर जो हमारे ऑफिस हैं रजिस्ट्रेशन के जमीन के कागजात के वो ऑलरेडी कंप्यूटराइज कर दिए गए। अगर जो कोई वहां जाके देखे तो कपिल जी मैं आपको ये बताना चाहिए कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसे दफ्तर जो इधर से निकल जाइए दो घंटे में अपना काम कर दूसरी तरफ से निकल आइए और कोई बाहर नहीं डाउट बैठे रहेंगे कुछ नहीं, इमीडिएटली दो घंटे में आपका काम हो जाता है। कि पहला काम तो हमें करने चाहिए कि वो जितना हमारा जो कमांड का एरिया है दिल्ली का उसमें एक सिंगल कमांड होना चाहिए। हमें पता नहीं चलता हम कि डीडीए के पास जाए, एनएनजीओ के पास जाए, फिर हम जाए यूडी मिनिस्ट्री में, फिर होम मिनिस्ट्री में, फिर कहीं, तो उसमें वक्त भी लग जाता है। आप जैसे मानिए कि कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर जो ये बाधाएं ये डिलेज ना हमारे पास होते तो हम शायद जितनी प्रगति और विकास किया है पिछले 15 दिन उससे दुगना कर सकते, समय बहुत सकता है। एक और अर्थ में मैं चीज कहना चाहती हूँ कि एनसीआर का भी विजन हो गया है। एनसीआर जो है एक हब ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें नोएडा भी है, जिसमें गुड़गांव भी आता है। इसमें भी बहुत बरसों से हम ये कह रहे हैं कि कॉमन इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए इसे और कॉमन यहाँ पर टैक्सेशन होना चाहिए जिससे ये पूरा एरिया जो है नॉट ओनली अपने लिए दिल्ली वालों के लिए, गुड़गांव वाले के लिए या नोएडा वालों के लिए, पर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए ये एक ऐसा हब बन जाए जहाँ पर इंडस्ट्री भी हो, जहाँ पर सर्विसेज भी हो और एक ऐसा वहाँ पर चले जीवन का स्तर हो जाए जिसकी मुकाबला हिंदुस्तान में और कहीं ना हो।